हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्पीच देना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग स्पीच नहीं दे पाते हैं। लोग कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच नहीं दे पाते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण होता है वो ये होता है कि जिस विषय के ऊपर उन्हें स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, उस विषय के ऊपर स्पीच देने के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसका आइडिया उन लोगों को नहीं होता है। आज की तारीख में भी लोग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करके स्पीच की प्रिपरेशन करते हैं। लोग जो है वो बहुत कुछ जो है वो लिखते हैं, लिखने के बाद उन सबको याद रखने की कोशिश करते हैं और स्पीच देने के लिए जाते हैं। अब यहां पर जो है, लिखना तो अच्छी बात है, लेकिन लोग जहां पर सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि लोग जो है वो याद जो है वो गलत तरीके से रखते हैं, और साथ साथ याद रखने के बाद उसकी जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, कि जिस कारण से वो लोग अच्छे तरीके से स्पीच को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उनको खुद को संतोष नहीं होता है कि मैंने मेरी स्पीच को अच्छे तरीके से डिलीवर की। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको स्पीच देने से पहले तैयारी कैसे करनी चाहिए। हम आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस बताएंगे कि जिस प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स हैं कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्पीच पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे, और इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप हमेशा जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्पीच की सिंपल और प्रैक्टिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर टोटल 5 स्टेप्स है कि जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सब लोग यह प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के बाद फॉलो कीजिएगा ताकि आपको फायदा हो सके। तो ध्यान से अब जो है वो आने वाले 5 स्टेप्स को सुनिएगा, और अगर आपको जो है वो कोई प्रश्न हो तो हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जो है वो बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न के ऊपर या उस विषय के ऊपर आपके लिए वीडियो भी बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन 5 स्टेप्स को इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। 5 स्टेप्स में से जो सबसे पहला स्टेप आप लोगों के लिए है वो ये है कि हमें स्पीच की स्क्रिप्ट तैयार करनी है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो स्पीच की स्क्रिप्ट को तैयार करते होंगे। आप लोग जो है वो सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। स्पीच की स्क्रिप्ट को तैयार करनी चाहिए। जो लोग स्पीच की स्क्रिप्ट को तैयार नहीं करते हैं, उन लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप सब लोग स्पीच की स्क्रिप्ट तैयार करने की शुरुआत कर दीजिए। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है इसे भी समझते हैं। स्क्रिप्ट मतलब कि सारी चीजों को लाइन बाय लाइन लिखना कि जो हम बोलना चाहते हैं। तो आपको हमेशा अपनी स्पीच के लिए स्क्रिप्ट तैयार करनी है। अब यहां पर हमेशा का अर्थ ये होता है कि आपको जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है डेली। उसके बाद आप जो है वो अगर इसे छोड़ना चाहे तो भी छोड़ सकते हैं। तो स्पीच की स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए। अब जो स्पीच की स्क्रिप्ट होती है वो क्यों तैयार की जाती है इसे भी जानिए। बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट को तैयार तो करते हैं, लेकिन वो लोग इसलिए तैयार करते हैं कि वो सारी चीजों को याद रख सके और उसके बाद बोल सके, लेकिन ये जो है वो गलत चीज है। हमें जो है वो कभी भी सारी बातों को याद नहीं रखना है। स्पीच की स्क्रिप्ट को तैयार करने का उद्देश्य ये होता है कि जिस विषय के ऊपर हम बोलना चाहते हैं उस विषय के बारे में हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले बाहर निकाल सके। कभी कभार लोग हमें कहते हैं कि सर, मुझे स्पीच देने की इच्छा होती है लेकिन क्या बोलूं यही समझ में नहीं आता है। आप सब लोगों को हम कहना चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें एक्चुअली पता होता है कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन उसको तरीका पता नहीं होता कि जो वो लोग बोलना चाहते हैं वो अपने माइंड में से कैसे बाहर निकाले। हाँ जी, ये बहुत ही जो है वो हम आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बता रहे हैं कि ये कम लोग जो है वो जानते हैं। तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना है कि हमेशा जो स्क्रिप्ट को तैयार करनी ताकि आप अपने माइंड के सारे थॉट्स को बाहर निकाल सके।
अगर माइंड के सारे थॉट्स को बाहर निकाल पाएंगे तो माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी और भविष्य में भी जो है वो आप अच्छे तरीके से सभी विषयों के ऊपर आपकी स्पीच को तैयार कर पाएंगे। तो ये जो है वो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमें स्पीच की स्क्रिप्ट तैयार करनी है। स्पीच की स्क्रिप्ट को कैसे तैयार करनी चाहिए, अगर इसके बारे में आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम दूसरा स्टेप आपको बताते हैं स्पीच की प्रोसेस का। जो दूसरा स्टेप आप लोगों के लिए है वो ये है कि हमें हमारी स्क्रिप्ट 3 बार पढ़नी है। आप जो भी स्क्रिप्ट को तैयार कर लेते हैं, चाहे वो 1 पेज की हो, 2 पेजेस की हो, 3 पेजेस की हो या फिर उससे भी ज्यादा पेजेस की हो, तो वो स्क्रिप्ट को आपको आराम से पढ़ लेना है। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि क्यों पढ़ना चाहिए। पढ़ना हमें इसलिए चाहिए कि अगर हम पढ़ेंगे तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई होगी तो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधार पाएंगे। इसके अलावा पढ़ते समय अगर हमें ऐसा लगता है कि मुझे जो है वो इस पॉइंट को नहीं रखना है, मैं किसी अन्य पॉइंट को रखना चाहता हूं या रखना चाहती हूं, तो आप वहां पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और आपकी स्क्रिप्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हमें स्क्रिप्ट को पढ़नी चाहिए कि जिसके कारण हम एक फाइनल स्क्रिप्ट को तैयार कर सके और उसके बाद आगे बढ़ सके। स्क्रिप्ट को तैयार करने के पीछे का एक और उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो उस वक्त जो है वो जो भी स्टोरी जैसी चीजें होती है उनको आप याद रखकर अपने माइंड के अंदर स्टोर करने का प्रयत्न कीजिए। फिर से एक बार बताते हैं, जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर जो है वो अलग अलग मुद्दों के बारे में आपने बात कही हुई है, तो आपको कोशिश करनी है कि इसको एक कहानी की तौर पर जो है वो आप याद रख सके। सिर्फ कोशिश करनी है, याद जो है वो नहीं रखना है। आप जब पढ़ रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है वो घटना हुई थी, ये जो घटना है वो भी हुई थी, अब ये घटना होने वाली है, आगे जो है वो ये बताना है, ये सब जो है वो आप सोच सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, और उसे जो है वो सिंपली सिर्फ जो है वो पॉइंट्स के द्वारा याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 3 बार जो है वो सिंपली हमारी स्क्रिप्ट को रीड करना है, और उसमें ही अगर हमें जो है वो थोड़ा याद रखने में आसानी हो तो याद रख लेना है। तो ये जो है वो हमारा दूसरा स्टेप है कि हमें हमारी स्क्रिप्ट की 3 बार रीडिंग करनी है। स्पीच की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अब तीसरा स्टेप है आप लोगों के लिए वो ये है कि हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर से हमें नोट्स बनानी है। अब इसे जो है वो हम समझते हैं। अब होता यह है कि आपने जो स्क्रिप्ट को तैयार की हुई होती है उसे आप एग्जैक्टली तो याद नहीं रख पाएंगे, कुछ लोग तो जो है वो पॉइंट्स भी शायद नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली तो जो है लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो है वो हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर से नोट्स बनानी है। नोट्स बनानी है मतलब क्या इसका होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी स्क्रिप्ट के अंदर से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उन इम्पोर्टेंट मुद्दों को हमें पसंद कर लेना है, और उन इम्पोर्टेंट मुद्दों को याद करके अगर हम उसको विस्तार से बता सके वैसे मुद्दों को जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं और वैसे मुद्दों को हमारे पेज के ऊपर लिख लेने हैं। आपको हम एग्जाम्पल एक देना चाहेंगे कि कितने जो है वो मुद्दे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी स्पीच जो है वो 5 से लेकर 10 मिनट के आसपास की है, तो आपकी स्पीच की जो नोट्स होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 7 मुद्दे आप रख सकते हैं। उन्हें जो है वो आपको याद रखने हैं और उन मुद्दों को याद करके जो है वो फिर आपको स्पीच की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब ये याद क्यों रखने हैं उसका कारण हम आपको जो है वो 4th स्टेप के अंदर देंगे। तो अब जो है वो हम कवर करते हैं स्पीच की इस प्रोसेस का 4th स्टेप कि जो है हमें हमारी स्पीच की प्रैक्टिस करनी है और उसका रिहर्सल करना है, इसका भी अर्थ जानते हैं। आपने तीसरे स्टेप के अंदर स्पीच की जो नोट्स बनाई हुई होती है उन नोट्स के अंदर जो मुद्दे लिखे हुए होते हैं वो मुद्दों को एक के बाद एक आपको याद करते हुए अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि हर एक मुद्दे को विस्तार से बताते हुए जो है वो आपको अपनी पूरी स्पीच पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। ऐसे जो है वो आप स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे।
तो वन बाय वन जो है वो सारे मुद्दों को याद करते हुए हम हमारी स्पीच को डिलीवर करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस कैसे की जाती है उसके बारे में भी जानते हैं। तो आपको जो है वो करना ये चाहिए कि किसी भी विषय के ऊपर स्पीच की प्रैक्टिस करने के लिए आपके घर में या आपकी ऑफिस में आपको चलते चलते बोलते बोलते हर एक मुद्दे को जो है वो अपनी भाषा के अंदर डिस्क्राइब करना है। आप ये 5 से लेकर 7 मुद्दे जो होते हैं उन्हें अपनी भाषा के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपकी स्पीच बन जाएगी। तो और आपकी जो है वो स्पीच की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमने यहाँ पर एक और शब्द का इस्तेमाल किया कि रिहर्सल करना है। रिहर्सल का मतलब होता है कि जिस जगह पर आपको स्पीच देनी होती है उस जगह पर एक दिन पहले आप जाए और वहां पर आपकी स्पीच की प्रैक्टिस करके आए, उसे रिहर्सल करना कहा जाता है। आपको कोशिश करनी है कि आप उस वेन्यू के ऊपर जाकर, हो सके तो एक दिन पहले या फिर उसी दिन, आप जो है वो वेन्यू के ऊपर जाकर इस स्पीच को जो है वो देकर आए। अगर वहां पर जो है वो कुछ लोग मौजूद भी होते हैं तो लोगों को पता ना चले वैसे जो है हम साइड में खड़े होकर भी स्पीच डिलीवर करके आए, वैसी हमें कोशिश करनी है ताकि हमें उसका आइडिया आएगा कि हमारे सामने जो है वो ऑडियंस कहाँ पर होगी, हम जो है वो कहाँ पर खड़े रहेंगे, चीफ गेस्ट कहाँ पर बैठेंगे, माहौल जो है वो कैसा होगा, सिचुएशन जो है वो किस प्रकार की होगी, इन सभी चीजों का आइडिया आएगा। तो आप जब स्पीच देने के लिए एक्चुअली जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है वो हमारा 4th step है स्पीच की प्रोसेस का, कि आपको अपनी स्पीच की प्रैक्टिस और रिहर्सल करना है। अब हम जानते हैं स्पीच की इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप नंबर 5, और वो है हमें हमारी स्पीच को डिलीवर करना है। अब जो है वो लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपने जो स्पीच की स्क्रिप्ट को तैयार कर ली है, आपने उसे पढ़ ली है, आपने नोट्स को बना ली है, उसे याद रख ली है, प्रैक्टिस भी आपने कर ली है। उसके बाद जो बाकी चीज बचती है और सबसे मेन चीज बाकी है वो है कि स्पीच को डिलीवर करना है। तो जिस जगह पर आपको स्पीच डिलीवर करनी होती है वहां पर आप जाएंगे और वहां पर अपनी स्पीच को डिलीवर करके आएंगे। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा कि जिससे आप जो है अपनी स्पीच को बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके। तो दोस्तों, हमने आपके साथ ये 5 स्टेप्स को शेयर किए कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं और साथ साथ उसे बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने तो आपको अभी ये बताया कि आपको कौन से 5 स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए, लेकिन अगर आप इन 5 स्टेप्स को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम आपके सामने बैठे और आप हमारे सामने बैठे और हम दोनों इसके ऊपर डिस्कशन करें, हम आपको प्रैक्टिस करवाए कि आपको जो वो कैसे लिखना चाहिए, कैसे आपको रीडिंग करना चाहिए, कैसे नोट्स तैयार करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और डिलीवरी करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली सिखाएंगे और डिटेल में सिखाएंगे ताकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर कर सके। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है वो लोग भी इस प्रोसेस को जान पाए, इसे फॉलो कर पाए। इसके साथ साथ हम आपको कहना भी चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोज अपलोड होते हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे, मतलब कि हम आपको बताना चाहेंगे जो हमने आपको पॉइंट्स बताए उनके बारे में।
तो हमारे जो 5 स्टेप्स थे उनमें से सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि हमें हमारी स्पीच की स्क्रिप्ट तैयार करनी है। जो दूसरा स्टेप स्पीच की प्रोसेस का था वो ये था कि हमें हमारी स्क्रिप्ट को 3 बार पढ़ना चाहिए। जो तीसरा स्टेप था वो था कि हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर से हमें नोट्स तैयार करनी है और उन्हें याद करनी है। जैसे ही आप 1 महीने तक स्क्रिप्ट को जो है वो रेगुलरली लिखते हैं, उसके बाद आप सीधा जो है वो ये 3rd स्टेप फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो 4th स्टेप था स्पीच की प्रोसेस का वो ये था कि हमें हमारी स्पीच की प्रैक्टिस करनी है और हो सके तो उसका रिहर्सल भी करना है। और हमारा आखिरी स्टेप था कि हमें स्पीच को डिलीवर करनी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।